अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महरीन अमजद और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ HD+। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब जद्दा से हमारे नुमाइंदे उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद मस्जिद हरमुल हराम में अपने खुतबे में इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सदैस ने रमजानुल मुबारक के फ्योज़ बरकात बयान किए और कहा कि इस माह अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं जिनको हासिल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है और गुनाहों से छुटकारा हासिल करके जहन्नम से निजात पाई जा सकती है। इस माह में लैलतुल कदर की वो अजीम रात भी है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया और जो रात हजारों रातों से अफजल है। इस माह सियाम में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहकर अल्लाह के हजूर अपनी बख्शिश के साथ साथ कोरोना वायरस से निजात की दुआ भी मांगनी चाहिए। لا يخفى علينا جميعا فضل شهر رمضان المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بدخول شهر رمضان ويذكر لك والعالم يعيش